श्री पालघर अभय जीवदया ट्रस्ट की स्थापना 13 मार्च 2005 को की गई। हमारे प्रेरणादाता आचार्य श्री अशोक सागर सूरी महाराज साहब और आचार्य श्री कलापूनम सूरी महाराज साहब के आशीर्वाद से इस संपूर्ण संकुल का नाम श्री कलापूनम जीवदया धाम रखा गया। बीमार लाचार जीवों की सेवा करना एवं दुर्घटनाग्रस्त गायों का इलाज करना और कत्ल खाने से छुड़ाई हुई गायों की सेवा करना हमारा मूलभूत उद्देश्य है। संकुल में देखभाल, साफ सफाई, पशुओं का दाना पानी आदि सेवाओं के लिए 34 सेवाकर्मी दिन रात हाजिर रहते हैं। आम्ही सकाळे 8 वाजता कामावर येतो सगळी माणसे। आम्ही पहिले सकाळी आल्यावर आम्ही गोठ्यात साफ सफाई करतो, गोठ्यात साफसफाई केली, कोणी झाडू मारते, कोणी बाई माणसं येतात त्या गोबर भरून डोक्यावर गोबर भरून तिकडे नेऊन एक जागे जमा करतात। जमा केल्यानंतर सगळं गोबर भरून झाल्यानंतर बाई माणसं साफसफाईला सुरुवात करतात। आम्ही पुरुष मंडळी आहेत, आम्ही सगळे गोठ्यांना झाडू मारून त्यांना अगोदर पाणी देतो, नंतर मागून त्यांना आम्ही घास देतो। घास दिल्यानंतर परत तिकडे म्हशी असतात, दूधवाले आहेत, तिकडे आम्ही साफसफाई करतो, म्हशी धुतो, गायीवर पाणी मारतो, म्हणजे ते गोठा एकदम आम्ही धुवून काढतो। सकाळी आम्ही 8 वाजता येतात, कामाला चालू 8 वाजता करतात। आम्ही 21 बाई आहेत आणि सकाळी आल्यानंतर झाडू मारतात, पाणी सोडतात, पाणी पाजलं का मग नंतर घास टाकतात, घास टाकून झालं का मग झाडू मारायला घेतात। आम्हाला गायींची सेवा करायला आवडतं आणि त्याच्यातच आमचं सुख आहे। अनाज के लिए यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई है। घास के 2 बड़े बड़े गोडाउन है, 4,000 फुट के 2 बड़े गोडाउन है और कपास, चुनी, जीवन मिक्सचर, गुड़ ये चीज के लिए एक अलग गोडाउन रखा गया है, जिसके लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है कि कीड़ी मकोड़े आदि चीज से वो खराब न हो और पानी में बिगड़े नहीं। त्यानंतर परत आम्ही 10:30 परत त्यांचा दाना, चुनी, कपास हे परत त्यांच्यासाठी उद्या म्हणजे दुसऱ्या दिवसासाठी परत आम्ही त्यांचं ते खुराक घेऊन येतो। ते कुंडी बनवले आहे, त्या कुंडीत आम्ही जमा करून सगळं पसरून मिक्स करून पसरवतो, नंतर त्यात पाणी बिनी पाणी टाकतो, त्याच्यात पाणी आपले त्याच्यात टाकलं का ते भिजवलं का परत ठेवतो, ते दुसऱ्या दिवशी परत काम येते।
पर एक गंगा नामक गाय है, उसकी माँ जब जब बच्चे देती थी बच्चे मर जाते थे। ये जो गंगा नामक गाय है वो जी गई और उसकी माँ चौथे दिन स्वर्गवास हो गई। ये जन्म से उसको एक आँख नहीं है और उसको एक तीसरा कान है। हिंदू धर्म में इसको चमत्कारी गाय बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास जब हमारी गौशाला की स्थापना हुई तभी गोपाल नामक पहली गाय आई थी, उसको हमने दूध की बोतल से फीडिंग करवाया है। इस चमत्कारिक गाय को 6 आंचल है, इसको कामधेनु गाय कहते हैं। सभी गाय को 4 आंचल रहते हैं, इसको 6 आंचल है। बदकिस्मती से अभी वो गाय 1 मई को स्वर्गवास हो गई। उसका हमने पूरे सम्मान विधि के साथ उसको दफना दिया। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, जो भी गाय का देहांत होता है हमारे पीछे गाय गौशाला के पीछे जगह है वहाँ पर हम लोग जेसीबी से खड्डा खोद के पूरे मान सम्मान के साथ उसमें नमक वगैरह भर के उसको फिल करके उसको दफना देते हैं। आजू बाजू किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, हमको कभी दुर्गंध नहीं आती, उतनी संपूर्ण व्यवस्था के साथ उसको हम दफना देते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 साल पहले जब हमने एक कत्लखाने से गाय छुड़ाई थी, वो गाय गर्भवती थी। डॉक्टरों ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसको बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसके पेट में जो बच्चा था उसको बचा लिया। अपने में कहवते राम राखे तेने कौन चाखे, हमने उस बच्चे को बचा लिया और वो बच्चा जो जीवित था उसका नाम हमने अमर रखा। उसको हमने बॉटल फीडिंग से इतना मजबूत करवाया, आज आप यकीन नहीं मानोगे 10 आदमी के काबू में नहीं आता अगर उसको छोड़ दिया जाए तो। अभी जब अमर का नाम आता है तो हमको डॉन को याद करना जरूरी है, क्योंकि जब भी इसी पोजीशन के अंदर जब भी डॉन का जन्म हुआ उस टाइम पे उसकी माँ मर गई, तो हमने उसको भी बॉटल फिटिंग करवा के आज जो डॉन की आप चमड़ी की चमक देखोगे, उसकी हाइट बॉडी देखोगे तो इतना मजबूत है, बहुत सीधा है। अमर जैसा तूफानी है वैसा ये शांत है। यहाँ पशुओं के उपचार के लिए 12 घंटा डॉक्टर जो रेगुलरली रखा है, वो कायम डॉक्टर जो हमने रखा हुआ है, वो साल में 2 बार वैक्सीनेशन देता है सभी पशुओं को और साल में 3 बार डीबॉम नामक जो दवा है, जंतुनाशक दवा, जिससे पशुओं में कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो उसका इलाज करते हैं। और कभी कोई बाहर से जो गाय आती है यहाँ पर इलाज के लिए, बीच में एक गाय में गाय का जो इलाज किया तो उसमें से करीबन 35 से 40 किलो प्लास्टिक निकला था। उसका ऑपरेशन किया, 35 से 40 किलो उसमें से प्लास्टिक निकला था, तो हम लोग उसका बहुत इस तरह से इलाज करते हैं। आजू बाजू जब भी दुर्घटनाग्रस्त कोई गाय आती है, किसी का पैर टूटा हुआ रहता है, कोई लॉरी में आ जाती है, कोई ट्रेन के नीचे पटरी में आती है, तो ऐसे एक्सीडेंट वाले पशुओं का भी हम लोग यहाँ पर इलाज करते हैं। वाव, गांव वाले यहाँ पर भेजते हैं और उसका हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, उसकी सेवा, उसकी खान पान की व्यवस्था करते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा सीरियस रहता है तो बच नहीं पाता है, तो उसको हम लोग विधि से दफना देते हैं यहाँ पर ही।
यहाँ पर हमने सुंदरम मानव मंदिर बनाया है, जो आदमी एक बार देखेगा तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। आम्हाला असं वाटतं का या गाई बैल आहेत म्हणजे आम्हाला काम करायची इच्छा कशी, काम आमच्या हातून एक सेवा पण चांगले होते ना, आम्ही इथं सुखी आहे म्हणजे आम्हाला कसा एक आनंद मिळतो काय एवढं समजा आपण हे काम करतो, आम्हाला आम्ही काम कर्मचारी आहेत म्हणजे आम्ही कामाला आहेत, पण असं कामाला कसे मजा वाटते का आमचा पुरा परिवार इकडेच आहे काम करा मला मजा वाटते, आम्ही सगळी 34 माणसं आहेत, आम्ही भाऊ बहिणीसारखे आम्ही चांगले राहतात। असं आम्हाला गायींची सेवा करायला आवडतं आणि त्याच्यातच आमचं सुख आहे। गौशाळेमध्ये आम्ही काम करतो आणि गायींची सेवा आम्हाला एकदम मस्त वाटली करायसाठी, आणि इकडे आम्हाला राहायची पण सोय दिली आणि पोरं पण आमची शाळा जातात एकदम, आणि गायींसाठी सेवा करण्यासाठी आम्हाला एकदम मौका भेटला, मस्त आनंद वाटतो एकदम। जय गोमाता। आप सभी जीवदया प्रेमियों से नम्र निवेदन है, आप एक बार अवश्य गौशाला एवं म्यूजियम अपने परिवार मित्र सगे संबंधी के साथ जरूर पधारे और आपका हार्दिक स्वागत है। अबोल पशु करे पुकार, हमें बचाओ हे नरनार, वंदे गौ मातरम, गौ माता की जय।